जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग भर्ती के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका निकला हुआ है, वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड के पदों पे ये भर्ती निकली हुई है, जिसकी डेट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 12 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, उसके बाद में 31 दिसंबर ये तक यहाँ पे ये फॉर्म चलेंगे। तो यहाँ पे 12 से 31 इसकी डेट रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे 12th पास सिंपल सा रखा गया है, अगर जिसने यहाँ पे 12th पास अभी किया है वो अप्लाई कर सकता है। रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, उसमें रिक्रूटमेंट पे लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद में जो पेज खुलेगा उस पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट पे आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद में नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हो यहाँ पे 12/12/2021 को मध्य यानी कि दोपहर 12 बजे से लेके आपको 31/12/2021 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन करना रहेगा। cgforest.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आवेदन शुल्क आप ध्यान रखना, यहाँ पे 250 रुपये और 350 रुपये चार्जेस है इसके, यानी कि SC ST वाले 250 रुपये, वहीं जनरल OBC वाले यहाँ पे 350 रुपये आपके चार्जेस लगेंगे। पूरा डिस्क्राइब कर रखा है रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसीज है, बंपर वैकेंसी है। इसके अलावा नीचे मैं स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हो शैक्षणिक अर्हता यानी कि योग्यता के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 लिखी हुई है यहाँ पे सिंपल सी। इसके अलावा जो आयु सीमा की बात करूँ मैं यहाँ पे 18 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे काउंट होगा, ध्यान रखना। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे नीचे पूरी लिखी हुई है, 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दे रखी है खाली CG वाले स्टेट वाले लोगों को, इसके अलावा अदर स्टेट वाले हैं तो वो 35 ईयर्स ही आपकी रहेगी, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा यहाँ पे वेतन की बात करूँ अगर मैं, तो वेतन 04 मैट्रिक्स लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, जो प्रथम वर्ष में मूल वेतन आपका रहेगा वो 19,500 का 70%, फिर 19,500 का 80%, फिर 90% तृतीय वर्ष में। तो यहाँ पे एक तरीके से 3 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे इसमें होता है, उसके बाद में आपका जो 22-25 हज़ार के आसपास सैलरी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, वो ध्यान रखना आपका, क्योंकि फिजिकल आपका पहले होगा, उसके बाद में ही आपका रिटन टेस्ट होगा। तो इसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पुरुष अभ्यर्थी को या महिला अभ्यर्थी को, मेल फीमेल को कितने क्या यहाँ पे रखे जाएंगे क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हाइट भी यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा जो चयन प्रक्रिया में फिजिकल वाली क्या क्या होगा, इसमें 200 मीटर की दौड़ होगी, 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंकना होगा आपका, ये 4 यहाँ पे चीज़ें कराई जाएगी, जो कि 100 अंकों की आपकी रहेगी, 25-25 सबको यहाँ पे बराबर है। इसमें 200 मीटर में होता क्या है, अगर मेल अगर आप हो 24 सेकंड में अगर आप करते हो या 24 सेकंड से भी कम टाइम आप लगाते हो तो 25 नंबर आपको मिल जाएंगे, 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगाते हो तो कोई अंक आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा ही यहाँ पे सेम क्राइटेरिया फीमेल के लिए भी रखा गया है, जहाँ पे 28 सेकंड से कम में आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 800 मीटर दौड़ में भी सेम वही प्रोसेस है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप एक तरीके से एक्सीलेंट मारते हो तो उस हिसाब से अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। लंबी कूद में भी वैसा ही और गोला फेंक में भी वैसा ही, 9 मीटर से अधिक अगर आप गोला फेंकते हो तो 25 से मतलब कि एक तरीके से 25 में से 25 अंक आपको मिलेंगे, महिलाओं के लिए वही 8 मीटर है। तो ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 60% आपको जनरल वालों को चाहिए, वहीं 50% SC ST वालों को यहाँ पे लाना अनिवार्य है फिजिकल में, उसके बाद में ही 15 गुना बच्चों को यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे 100 अंकों की यहाँ पे एग्जाम होगी, जो 2 घंटे आपकी चलेगी, जिसमें जो भी मैथ्स वाले या रीजनिंग वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वैसे लगभग लगभग बता दी है नोटिफिकेशन में जो भी है, डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे दे भी दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मैंने बता दी है www.cgforest.com। नए हो आप हमारे इस चैनल पर तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।